सिंध असेंबली में नुक्ता एतराज पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिन दिनों में मीर शकीर रहमान सेंट पैट्रिक्स में जेर तालीम थे, इन दिनों डालमिया के करीब के एक बदमाश ने इन्हें अगवा करके इनकी तस्वीर बना ली, जिसके बाद वो बदमाश मीर शकीर रहमान को ब्लैकमेल करने लगा। मीर शकीर रहमान इन 1972-73 व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन सेंट पैट्रिक्स कॉलेज, एक कराची का बदमाश था, एक कर्नल था डालमिया के एरिया का, जिसका नाम था अमान डालमिया, जिसका काम था मासूम छोटे छोटे पप्पू टाइप जिन्हें कहते हैं चिकना, जो लड़के थे बड़ी फैमिलीज के, जो आपने देखा होगा खड़ा मार्केट डिफेंस में शाम के नजर आते हैं, जो इस टाइप के लड़के थे। अभी नहीं गया सिंह, मैं नहीं गया सर, मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी चाल चलन बिल्कुल उन जैसी थी। अमान डालमिया जो है वो उसको जबरदस्ती उठा के ले गया, इसकी फोटोग्राफी की उसने, उसके बाद वो फोटोग्राफ देख के इसको सारा साल ब्लैकमेल करता रहा। उन्होंने बताया कि आगा सिराज दुरानी, सदर आसिफ अली सरदारी और उन्होंने वो तस्वीर बदमाश से हासिल की। सिराज, आगा सिराज उस वक्त सेंट पैट्रिक्स में उसका क्लासमेट था, आसिफ अली सरदारी साहब उस वक्त क्लासमेट थे। हम सब ने प्लान किया अमान डालमिया से वो फोटोग्राफ्स की रिकवर की, उस वक्त की बचपन के हैंगअप से। इस मौके पर सिंध के सूबाई वजीर आगा सिराज दुरानी ने भी जुल्फिकार मिर्जा के बयान की तायद की। जुल्फिकार मिर्जा का कहना था कि यही एहसास कमतरी जंग ग्रुप के सरबरा मीर शकीर रहमान को चैन नहीं लेने दे रहा।